Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. I don't ever want to leave. और पिछले ब्लॉग का सही जवाब दिया है मामा जी ने, पहाड़ी बुला संजू ने और सौरभ रावत ने। हेलो, हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पहाड़ी फिल्टर में। तो दोस्तों, कल है होली और उसकी प्रिपरेशन आज से ही चालू हो चुकी है। सुमन देखो यहाँ पे धनिया को छिल रही है, मतलब यानी कि धनिया के पत्ते सेपरेट कर रही है। छिल रही है अरे छिलना ही होता है, धनिया छिल रही है, धनिया छाट रही है। ओके, धनिया छाट रही है। सुमन आदि कार्टून देख रहा है एज यूजुअल, उसका और कोई काम होता नहीं है। हाँ, आज ये दो दिन से होली खेल रहा है और पूरा भीग के आ चुका है वहाँ पे। अब इसकी आंखें देखो, इसकी देखो, पास से देखो इसकी आंखें, देखो पिंक पिंक हो रखी है पूरी, बंदर बंदर बना हुआ है, ऐसा लग रहा है आंखों में घुसा पड़ा होगा इसके। चार बार कपड़े चेंज हो चुके हैं आज के पूरे दिन में। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं बिरयानी की तैयारी, बिरयानी बना रहे हैं हम कल के लिए। यस दोस्त, बाय द टेम्पेस्ट। तो दोस्तों, अभी सुमन धनिया छांट रही है, मैं काट रहा हूँ प्याज, उसको बनाएंगे कुरकुरे प्याज। आज हम चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे ताकि सुबह फटाफट से बन सके, ताकि हम चरा से भी लेट ना हो और हम अपनी होली भी एंजॉय कर सके और खाना भी फटाफट बन जाए। तो दोस्तों, दिखाता हूँ आपको किचन में चल क्या रहा है। दोस्तों, प्याज काट चुके हैं, रोना भी बहुत आ रहा है, पर काटने जरूरी है प्याज, बिना प्याज कटे बिरयानी नहीं बनेगी। आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्याज कट चुके हैं, अब इनको थोड़ा सा भिगोएंगे और उसके बाद इनको बॉईल करके इनको तलेंगे, फ्राई करेंगे, कुरकुरे प्याज बनाएंगे, जो बहुत ही हेल्प करेंगे हमारी बिरयानी को एकदम स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने चिकन मैरिनेशन कर रख दिया है और इस चिकन को अब कल हम बिरयानी में डालेंगे, ओवरनाइट इसको मैरिनेट होने देंगे और आपको मिलते हैं कल सुबह होली में। दोस्तों, आप सबको विश यू अ वेरी हैप्पी होली। तो दोस्तों, सुबह सुबह का समय है और हमारा ये रूटीन है, जब भी होली होती है तो हम पहले मैं अपने ससुराल जाता हूँ, क्योंकि फटाफट वहाँ हुआ हो तो फिर हम अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते हैं अपने घर पे, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट बड़ा रहता है, अगर वहीं ज़्यादा टाइम लग जाता तो फिर यहाँ भी नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो अभी फटाफट हम जा रहे हैं, अभी समय हो रहा है आपका 7:15 और मोस्ट प्रोबेबली हम 15 या 20 मिनट में पहुंच जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे 1-1.5 घंटा बिताएंगे, होली खेलेंगे, होली सेलिब्रेट करेंगे। अभी दिखाते हैं आपको, पहुंचेंगे, आरू भी है वहाँ पे, आप सबका वेट कर रही है। आरू की फर्स्ट होली। यस, दिस इज द फर्स्ट होली ऑफ आरू। तो फटाफट पहुँचते हैं और खेलते हैं आरू के साथ होली, आपको दिखाते हैं क्यूट सी प्यारी सी आरू। नमस्ते, नमस्ते बाबा। टैंकर भर रहा है, टैंकर। नमस्ते भैया, कौन है? मिस आरू,
फंड बोनस फंड बोनस फंड बोनस लगाओ आदि कलर लगाओ दानी के कलर लगाओ टीका लगा दो जाओ टीका लगा दो टीका माथे पे माथे पे माथे पे टीका लगा लो लगाओ टीका लगा रहे टीका बस बहुत अच्छा भैया पता कहाँ चलो कल चले डुप्लेक्स वाले भैया आगे
ऑमलेट होगा ठंडा ही है। तो दोस्तों होली सेलिब्रेशन हमारा चालू है और साथ ही साथ हमारा बिरयानी भी बन रही है। अभियान भी पूरी होली खेल के आ गया है। ये देखो दोबारा से एक बार और कपड़े चेंज कर लिया, पूरा भीग चुका था अच्छे से। और उसके बाद हमारे जो चिकन है वो मैरिनेट हो चुका है, कल से हमने मैरिनेट में रखा हुआ था। और यहाँ पे हम बना रहे हैं चिकन का मसाला, क्योंकि हर तह में हम एक मसाला डालेंगे ताकि हमारी बिरयानी में जो है हर तह में मसाला है, और जब उसको हम रोंदे आपस में तो मसाला आपस में मिक्स होकर एकदम गजब स्वाद दे। तो दोस्तों चलते धीरे धीरे बनाते हैं, बस हमारे चावल होने वाले हैं, चावल को निकालते हैं और फिर उनको तय लगा के चिकन के साथ लगाते हैं। इतनी लेट क्यों आई? हमारे यहाँ एक मरीज। तेरे को भी लगा ले? नहीं तेरे को भी नहीं।
पानी गिर पानी गिर। एक और लिमका हमारी होली हो चुकी है खत्म और बिरयानी भी हो चुकी है रेडी और यहाँ पे सुमन की शक्ल और हमारी शक्ल देख लो मेरी थोड़ी सी डिफरेंट है बट सुमन स्टिल लुकिंग गुड और यहाँ पे है हमारे साथ रिशु हम आएंगे टू भी आई है तो हम अभी बिरयानी खोलेंगे लेट्स यू नो लेट्स ओपन द बिरयानी एंड लेट्स सी हाउ इट्स यू नो लुकिंग लाइक अभी हमने दम बिरयानी बनाई थी तो हमारी जो आप देख रहे होंगे चावल पके नहीं होंगे इट विल बी ये तो चिपचिपा रहा है क्योंकि वो अंदर से ना बाहर से गर्म हो गया होगा तो अभी खोलते हैं दोस्तों दम बिरयानी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिस इज अवर यू नो चटनी जो हम बिरयानी का खाएंगे और रायता ही बनाएंगे अभी थोड़ी देर में यस वाओ चावल गलने गले मैं को देखता हूं दिस इज रियली फैंटास्टिक मैम हटा एक मिनट स्मेल तो अच्छी है स्मेल इज डिलीशियस क्यों गलेंगे यार क्यों नहीं गलेंगे मेरे भैया ने बताया है कि मस्त है भैया इट्स बीन 30 मिनट वी आर कुकिंग दिस एंड लुक एट दिस ब्रो आवर द बिरयानी इज लुकिंग मैन इट्स लुकिंग रियली ऑसम खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है अरोमा आ रहा है इज द यू नो मेहनत ओके सो आप हमारे चावल देख रहे होंगे एक एक दाना यू नो क्लियर बासमती राइस इट्स नॉट इट्स सीला बासमती ओ भाई इट्स सीला बासमती मेरे को पता चल रहा है भाई वो उसने भाई भाई कहां से आया यहीं से आया वो भाई यहीं से आया वो एक एक चावल हमारे आज क्लियर हो रखे हैं आप देखोगे यस सी द कलर ब्रो सी द कलर ब्रो जो बेइज्जती कर रहा है उसको नहीं मिलेगा दोस्तों हाउ आर यू अमेजिंग ये क्यों कॉल कर मास्टर शेफ क्वालीफायर है इस ब्लॉग के सवाल का और इस ब्लॉग का सवाल है कि सुमन के कलर स्मोक फाउंटेन का कलर क्या था